सऊदी अरब में एएस अकेडमी के जेर एहतमाम पीएसएल यूथ टूर्नामेंट के अफ्तिताह की तकरीब का इनेकाद किया गया जो 19 फरवरी को खेला जाएगा। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं नाजम अली अतारी। सऊदी अरब में एएस क्रिकेट अकेडमी के जेर एहतमाम पीएसएल यू टूर्नामेंट के इफ्तिताह की तकरीब का इनेकाद किया गया जो 19 फरवरी को खेला जाएगा। एएस क्रिकेट अकेडमी के सीईओ आसफ शेख का कहना था कि इस तरह के टूर्नामेंट का मकसद पाकिस्तानी नौजवान नस्ल को क्रिकेट की तरफ रागब करना है ताकि नौजवानों को अपनी सलाहितों का लोहा मनवाने के मौके मयसर आ सकें। तकरीब से सऊदी अरब के मरूफ बिजनेसमैन अब्दुल्ला मुसफर का कहना था कि अगर नौजवान नस्ल को खेलों के अच्छे मौके और हौसला अफजा माहौल दिया जाए तो न सिर्फ अच्छे शहरी बल्कि मुल्क का नाम भी पूरी दुनिया में रोशन कर सकते हैं। तकरीब से पेशावर जुल्मी के कप्तान साज शाकर और लाहौर कलंदर के कप्तान मुनीबुर रहमान का कहना था आज हमने मुख्तलिफ कैटेगरी से मेरिट पर टीम सेलेक्ट करते और पीएसएल तर्ज की किट्स मुहैया करने पर हम आसिफ शेख को खराज तहसीन पेश करते हैं। दीगर मुकर्रीन में मुनीर अहमद शाद, काशफ बाजवा, फैसल खान, राहत काजी ने आसिफ शेख की नौजवान नस्ल की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया।